Hey, hello everyone. How are you all? आज आप लोगों का टीचर्स डे है. टीचर्स डे कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को बहुत मिस कर रही हैं आपकी मैम. लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था टीचर्स डे. ओके, हर समय एक जैसा नहीं रहता. वो समय अगर गया है तो ये समय भी चला ही जाएगा. कोई बात नहीं बच्चों, आपको अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पर रखना है और पढ़ते रहना है. आज का सिर्फ एक ही मुझे गिफ्ट दे दो कि बच्चों अपने आप से प्रॉमिस करो कि कोई ऐसा दिन नहीं जाने देंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं. एक कुछ पढ़ो जो इंटरेस्टेड लगे वो पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज. ठीक है, पढ़ो जरूर. ओके बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फुल चैप्टर, चैप्टर नंबर 6. बेटा ये आपका पूरा फुल चैप्टर का रिवीजन होगा. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएंगे. एक्सप्लेनेशन की बात ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा, ये इन शॉर्ट मैं आपको समझा रही हूँ. इन शॉर्ट क्या होता है कि जो माय स्पेशल सिस्टर है ये जैनी ने ही लिखी है, और इस पूरे चैप्टर में उन्होंने अपने अपनी सिस्टर के बारे में ही बात की है. आज की पूरी वीडियो मैं आपको फुली हिंदी में ही बताऊंगी. वो इसलिए क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आपको इंग्लिश के साथ एक्सप्लेनेशन कराया, अब ये है आपके लिए इजी होगा और एक साथ आप पूरी स्टोरी में क्या भी बोला गया है वो समझ जाओगे. ठीक है, तो जैनी एक लड़की है जिसकी एक बहन है. वो खुद ही इसकी ऑथर है, इसकी राइटर है. ठीक है, तो इनका क्या है, ये अपनी इस माय स्पेशल सिस्टर में एक्सप्रेस कर रही है अपना लव. इन दिस स्टोरी माय स्पेशल सिस्टर शी एक्सप्रेसेस हर लव फॉर हर सिस्टर. ये अपने प्यार अपनी सिस्टर के लिए बता रही हैं, दिखा रही हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं. और शी हैज़ बीन वर्किंग इन एजुकेशन एंड रिटन अ नंबर ऑफ हाईली प्रेज्ड बुक फॉर यंग रीडर्स. हर स्टोरीज एंड पोएम रिफ्लेक्ट अ डीप इंटरेस्ट इन फैमिली. और इनकी स्टोरी और इनका हमेशा का बेटा रहता है, जो भी इनकी स्टोरी और पोएम होती है उसमें एक गहरा प्यार छुपा होता है अपनी फैमिली के लिए. ठीक है, ओके बच्चों, तो क्या करना है, जो जैनी है उनकी एक छोटी सिस्टर है जिसको उन्होंने स्पेशल बोला है इसमें, क्योंकि वो सुन नहीं सकती है, वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है और वो कई काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसको सिंगिंग में, म्यूज़िक में बहुत शौक़ है. वो बोल नहीं सकती है लेकिन फिर भी उसको पियानो में शौक़ है, तो वो सिंग भी नहीं कर सकती है. शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. फिर भी जो उसके बाद भी उसको पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है. और जैनी ऐसा कह रही है कि मैं उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए क्लोजली इंट्रक्शंस देती थी, इशारे करती हूँ, तो वो मेरी बात समझ जाती है. कौन? उनकी लिटिल सिस्टर. ठीक है, अगर मैं बोलूँगी लुक आउट तो वो एक बार नहीं समझ पाएगी, लेकिन अगर मैंने अपने लेग्स से और हाथ से उसको इंटरेक्ट किया, देखो जैसे ये है सिस्टर. ठीक है, और इनको सुनाई नहीं दे रहा है, जैनी बता रही है, इशारा कर रही है, तो वो समझ रही है. आप समझ रहे हो? तो बस यही पूरी स्टोरी में कि वो क्लोजली उनको इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं अपनी सिस्टर को, और जैनी उसको, जैनी की सिस्टर उसे फॉलो करती हैं या समझती हैं. ठीक है, अधिकतर वो लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं जंगल पे घूमने, और वहाँ पर जहाँ वो पैर रखती है वहीं वो पैर रखते हैं. मतलब जैनी के ही माध्यम से उसकी सिस्टर, जैनी हमेशा उसको सपोर्ट करती हैं, हमेशा हमेशा उनको ये सिखाती हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्या सही रहेगा. तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, स्कूल का क्या है कि जैनी की जो सिस्टर थी
जैनी जो सिस्टर, उनका स्कूल स्टार्ट होता है उसी स्कूल में जहाँ जैनी खुद पढ़ती है, तो उसकी हेल्प वो घर पर माँ करती हैं पढ़ाई में, लेकिन वो और बच्चों की तरह नहीं है, तो वो वर्ड्स नहीं बोल सकती। कभी कभी वो उसका जो भी वर्ड वो बोलना चाहती है उसका साउंड ही डिफरेंट हो जाता है, जस्ट लाइक बॉल को बाल निकल आता है और टीचर और चिल्ड्रेन उसकी बात नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बात कौन समझते हैं? जैनी। और जैनी स्पेशली उसकी बात समझती है, और जैनी की बात कौन समझते हैं? उनकी लिटिल सिस्टर। जो लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन लोगों में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि जैनी एक अपने घर का वाक्यांश बता रही है कि मैंने एक बार उनसे बोला, किसे, अपनी सिस्टर से बोला, वेयर आर माय, वेट, पैजामा, तो वो बनाना लेकर आ गई, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन फिर भी वो बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही अच्छी है। और जैनी का पूरा इस जो चैप्टर में अपनी बहन के लिए प्यार और सपोर्ट ही नज़र आ रहा है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, और कुछ भी नहीं। कभी कभी वो बता रही है कि वो काफ़ी कुछ करना चाहती है, और कभी भी वो अपने आप को पीछे नहीं होने देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो टेलीविज़न देखती है तो म्यूट पर ही देखती है, और कभी कभी ऐसा चिल्लाती है कि मम्मा बोलती हैं उसको कि मतलब अड़ोस पड़ोस वाले कंप्लेन करने लगेंगे, इतनी तेज मत चिल्लाओ, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो बोलने की जो भी कोशिश करते हैं उसके डिफरेंट साउंड हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को। ओके, अब मम्मा ने बोला, उसको नहीं सुनाई दिया, तो इसके लिए भी उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जैनी। उसको बोलती है, इशारे करती, नहीं समझा तो उसको स्टैम्प करती है, स्टैम्प करने से वो समझती है कि मुझे रोका जा रहा है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं बेटा पूरे चैप्टर में, यही है कि कैसी वो स्पेशल सिस्टर है और जैनी उन्हें कैसे कोऑपरेट करती हैं। तो जैनी ने लास्ट में ये बोला है कि मेरी सिस्टर सबसे स्पेशल है, और उसकी जैसी किसी की भी, मेरी सिस्टर जैसी किसी की भी सिस्टर नहीं होगी। उन्होंने अपने बहन के लिए प्यार प्यार को एक्सप्रेस करते हुए ये लाइन बोली और अपनी बहन की बहुत ही तारीफ की। ओके बच्चों, ये आपका पूरा रिविज़न एक्सप्लेनेशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर लव, एप्रिशिएशन and cooperation. Thank you, all of you.